दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कल्पना शक्ति होती है उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। दोस्तों सबसे पहले आइए समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जो भी हम विचार सोचते हैं या जो भी हम शब्द बोलते हैं वो शब्द हमारी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एनर्जी हम यूनिवर्स में सेंड करते हैं और सेम एनर्जी हम प्राप्त भी करते हैं यूनिवर्स से। तो जैसा भी हम सोचेंगे वही हमारे साथ होगा और इसी प्रोसेस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हमारी कल्पना शक्ति होती है, हमारा इमेजिनेशन होता है, उसकी क्या भूमिका होती है? सबसे पहले ये बात करते हैं कि इमेजिनेशन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा माइंड जो है विजुअल चीजों को, यानी कि जो भी हम पिक्चर्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, उनको ज्यादा जल्दी याद करता है। एग्जाम्पल के रूप में हम किसी इंसान से मिले, हम पहली बार मिले, आगे जाके हमारे कोई साथी है जो उसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में कोई बात हमसे छेड़ता है, हम उसका नाम याद नहीं कर पाते हैं, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन हाँ हम उसका चेहरा याद कर लेते हैं कि हाँ याद आ रहा है, उसकी शक्ल ऐसी है। हाँ ऐसा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड विजुअल चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करता है, तो हमारा मेमोरी में भी विजुअल चीजें जल्दी से स्टोर हो जाती है। तो ये इमेजिनेशन की पावर है हमारी मेमोरी को लेके, इसलिए इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए विजुअलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस इमेजिनेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि हम सब क्या चाहते हैं, कि हम चाहते हैं हमारा पैसा हो, बड़ा घर हो, सारी लग्जरी हो हमारे पास और हमारा जीवन काफी आनंदमय रहे, हमारा बिजनेस भी हो। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि हम खुश रहें और अमीर भी रहें, फेमस रहें, ये सब हम चाहते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ मेरे पास एक बड़ा सा घर है, मैं उस घर में रह रहा हूँ। हम अपने आप को ऐसे देखते हैं जैसे कि हम कोई मूवी देख रहे हो, हम अपने आप को एक किसी अभिनेता के रूप में देखते हैं कि हाँ वो मैं खड़ा हूँ, वो बड़ा सा घर है या फिर वो महंगी सी कार, वो मैं चला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अपने आप को। हम इस तरह से इमेजिनेशन करते हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ एक मूवी ही बन जाती है, रियलिटी बनती ही नहीं, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, उसको उसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। हाँ एक मूवी की तरह हमने देखा, मूवी की तरह हमने एंजॉय करा और भूल गए। लेकिन इमेजिनेशन का अगर हम सही उपयोग करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा हमें। अब हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे पास बड़ा घर हो, तो हमें सेम तरीके से इमेजिनेशन करना है, लेकिन अब हम अपने आप को उस बड़े घर के अंदर देखेंगे। तो अगर इस समय मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं एक बड़े से घर के अंदर हूँ, तो हाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खिड़की है, वहां पे दरवाजा है, एक बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा लिविंग रूम है, तो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस इमेजिनेशन को, उस इमेजिनेशन को मैं रियलिटी के रूप में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो उस इमेजिनेशन को हमारा ब्रेन कन्वर्ट करता है इमेजेस के रूप में, मेमोरी के रूप में, और वही एनर्जी हम यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस बड़े से घर में रहना। सेम वे में अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं या इमेजिन करते हैं कि मैं कोई शानदार महंगी गाड़ी चला रहा हूँ, तो हाँ स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में है, ना कि मैं देख रहा हूँ अपने आप को कि मैं गाड़ी से गया अभी, नहीं, स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में है, जो वाइब्रेशन हुई है गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद वो मैं फील कर सकता हूँ, वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। स्टीयरिंग व्हील है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, खाली रोड है, मैं बड़े प्यार से गाड़ी को चला रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलाते हुए। इस तरीके से हमें इमेजिन करना है, और जब हम ऐसे इमेजिन करते हैं तो हमारा ब्रेन उस इमेजिनेशन को रियलिटी में एक्सेप्ट करता है, और वही रियलिटी वाली एनर्जीज जो होती है वो हम यूनिवर्स में सेंड करते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने वैसे इमेजिन किया तो हमें महंगा बड़ा घर मिल जाएगा, महंगी कार मिल जाएगी, नहीं। जब तक हम उसके लिए काम उस लगन से नहीं करेंगे, उतनी मेहनत से नहीं करेंगे, तो वो इमेजिनेशन सिर्फ एक इमेजिनेशन बन के रह जाएगी। तो प्रॉपर यूज करेंगे हम इमेजिनेशन का और हमारा हार्डवर्क भी, जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना पूरा स्तंभ, अपना पूरी ताकत दिखाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम सही रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी मदद करेगा। तो हमें दो बातों का बहुत ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये, चाहे हम विचारों में सोच रहे हैं, चाहे हम वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के रूप में मैं कह देता हूँ कि हम कोई अगर हम काम शुरू करने जा रहे हैं तो हम अक्सर कहते हैं हे भगवान बस मैं लेट ना हो जाऊँ। हमने सोचा क्या, लेट ना हो जाऊँ, लेट
नेगेटिव वर्ड हो गया। इसके बजाय हम ये भी सोच सकते थे, हे भगवान मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, टाइम पे पहुंच गया, तो इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, सेंटेंस का मतलब भी पॉजिटिव है, दोनों फ्रेजेस मेरे सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव ही है, लेकिन वर्ड्स कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। दूसरे एग्जाम्पल में हमने कहा हे भगवान मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, सेंटेंस पॉजिटिव है, वर्ड्स भी पॉजिटिव है, तो उस वर्ड्स को हम, हमारा माइंड जो है इमेजेस में कन्वर्ट करता है, उसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वही यूनिवर्स में सेंड करता है। तो ये सबसे पहली बात, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम वर्ड्स का इस्तेमाल करें वो पॉजिटिव हो। दूसरा, जो भी हम इमेजिनेशन करते हैं किसी भी तरह की, हमें उसको एक मूवी की तरह नहीं देखना है, हमें उसको जीना है रियलिटी समझ के, उसको एक्सपीरियंस करना है कि हाँ मेरे पास बड़ी कार है, मेरा बड़ा बिजनेस है, मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत लंबी कार है, मेरा परिवार बहुत खुश है, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ, उसे फील कर रहा हूँ। तो इन दो बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो और दुगनी रफ्तार से काम करेगा, साथ साथ हमारा हार्डवर्क भी चले आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमेजिनेशन का क्या भूमिका होती है और किस प्रकार ये हमारी मदद कर सकता है। इसी तरह की वीडियोस हम आगे भी शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।